हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे खस्ता। खस्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैदा लेना है, उसके बाद हम लेंगे सूजी। सूजी लेने के बाद हम लेंगे नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा इसलिए लेंगे ताकि जो हमारा खस्ता बनेगा वो एकदम नरम और कुरकुरा बनेगा। उसके बाद हम उसको और क्रिस्पी बनाने के लिए उसमें तेल डालेंगे 3 चम्मच। 3 चम्मच तेल डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आराम आराम से अच्छे से मिक्स करने, इतना अच्छे से मिक्स करें ताकि उसमें लम्फ ना रहे और हम उसे मुट्ठी बांधे तो वो बंध जाए। ऐसा बनाएंगे हम अपने जो खस्ता की जो रेसिपी है, जो इंग्रेडिएंट्स है, उसको ऐसा बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इलायची, 2 इलायची कूट लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे ताकि इलायची का फ्लेवर अच्छा आता है और टेस्टी लगता है, इसीलिए इलायची। अच्छे से मिक्स करेंगे उसको। मिक्स करने के बाद 2 कप चीनी पीस लेंगे ग्राइंडर में। खड़ी चीनी नहीं डालेंगे, पीस कर ही डालेंगे, तभी कुरकुरा बनेगा। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद, अगर आप चीनी ग्राइंडर नहीं है तो आप चीनी गरम कर लीजिए। उसके बाद पानी में गरम करके थोड़े से पिघला लीजिए, उसके बाद आप डाल के गूंथ लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे जो हमने चीनी, जो चीनी को ग्राइंड किया था उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, मिक्स कर लिया हमने, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको एक डो तैयार करेंगे। पानी धीरे धीरे ऐड करेंगे। अगर आपका जो इंग्रेडिएंट है, जो खस्ता का, अगर वो गीला हो जाता है तो अब थोड़ा सा मैदा उसमें ऐड करके उसको सुखा सकते हैं। बट देखते रहिए किस तरह बन रहा है। आप आराम से एक एक चीज़ फॉलो करेंगे तो आराम से ये बन जाएगा। आपसे एकदम अच्छे से तैयार करके हम एक डो बना लेंगे। देखिए हमारा डो रेडी हो गया। उसके बाद एक एक करके हम उसमें डो बना के एक एक खस्ता का शेप देते जाएंगे। खस्ता बनाना ये छठ पूजा में भी यूज होता है, बट हम इस इन सब चीज़ों से नहीं बनाते हैं। हम इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें गेहूं के आटे का बनता है, उसका भी बना के मैं वीडियो जल्द डाल दूंगी। बट अभी ये देखिए कैसे इसको बनाते। एक एक करके थोड़ा सा तेल लगा के, अगर खस्ता चिपकता है हाथ में, थोड़ा सा तेल लगा के आप अच्छे से सारा तैयार कर लीजिए। उसके बाद तैयार करने के बाद देखिए मेरा सारा तैयार हो गया है। धीरे अब तेल गरम करेंगे। तेल भी मेरा लगभग गरम हो चुका है। एक एक करके हम खस्ते को डालेंगे। एक बार में 6-7 पड़ेगा खस्ता, जैसा आपकी तेल की क्वांटिटी होगी। मैंने तेल ज़्यादा डाला था ताकि एकदम खस्ता डीप हो जाए, और अच्छे से तब तक इसको फ्राई करेंगे ताकि गोल्डन ना हो जाए। धीरे कम आंच पे, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम कर देते हैं तो खस्ता जल जाएगा। देखिए हमने एक मतलब पलट दिया है, और आप मीडियम फ्लेम पे करिएगा, खस्ता एकदम कुरकुरा और नरम बनेगा। देखिए मेरा खस्ता, मैंने सारे को एक एक करके पलटना शुरू कर दिया। मेरा खस्ता एकदम नरम बनेगा। बारी बारी करके आप भी पलटना शुरू कर दीजिएगा। जब नीचे गोल्डन ब्राउन होने लगे तब धीरे धीरे करके मैंने सारा पलट लिया है। अच्छे से आप मीडियम फ्लेम पे करिएगा, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो जल जाएगा आपका खस्ता। धीरे धीरे हमने इसको सेक लिया है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है।
हम एकदम मीडियम फ्लेम रखेंगे ताकि हमारा खस्ता कुरकुरा और नरम बने। हम इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे पकड़ेगा तो नहीं, लेकिन हम हमेशा चला के देखते रहेंगे कि जल रहा है कि नहीं। देखिए हमने एक एक करके सारे ऐसे ही निकाल लेंगे एक बाउल में और बहुत क्रिस्पी बनेगा। देखिए मैंने सारा निकाल लिया एक बाउल में, बहुत अच्छा, बहुत क्रिस्पी बनेगा, बहुत ज़्यादा। अब सारे निकाल के आप स्टोर करके इसको रख सकते हैं टिफ़िन में, लंच बॉक्स में, बच्चों को दे सकते हैं कुछ मीठे में। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, खाने में तो एकदम परफेक्ट लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।